चीज आपकी एक बहुत अच्छी लगी कि सर आप हर बंदे को इंडिविजुअली नाम से जानते हो, सर नाम से बुलाते हो, सर ये चीज बहुत अच्छी लगी। अगर मैं वहां हूँ, अगर मैं थोड़ा मंदा पड़ रहा हूँ तो ये कहते हो सर आप राहुल भाग, तो सर बहुत अच्छी फील आती है सर, मन करता है फिर मेहनत करने का। छह बत्तीस उसके बाद सर यहाँ मेरी लास्ट छह पांच आई थी। सर आपके सारे बच्चे होने के बाद भी आपको सबकी टाइमिंग पता होती है और सबकी क्वालिटी पता होती है, कमी भी पता होती है कि इस पर्टिकुलर बच्चे को जंप में दिक्कत है या इसकी टाइमिंग की दिक्कत है या इसमें क्या कमी है, वो भी सर को पता होती है, टाइमिंग भी पता होती है और नाम भी पता होता है। एक एक चीज़ पे ध्यान देते हैं सर। अकेडमी, दूसरी अकेडमी छोड़ के स्ट्रेंथ अकेडमी में ही क्यों आए? नहीं, पहली बार जब मैं, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं जब दूसरी अकेडमी में गया था, मैंने 1.5 महीने बाद 2 महीने ट्रेनिंग की थी, मैं 1600 में ही बाहर हो गया था। लॉन्ग जंप हाई जंप हो जाती थी? नहीं, हाँ लॉन्ग जंप हाई जंप, सर हाई जंप फंसती थी, लॉन्ग जंप हो जाया करती थी, पर हाई जंप तो लगभग सभी की हो जाती है, हाई जंप फंसती थी। मेरी कुछ गलतियां भी थी जो मैं पिछली अकेडमी से सीख के आया था, तो सर ने कहा कि ये चीज़ तुम मत करो, इससे तुम्हारी ठीक हो जाएगी। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी एसएससी सीपीओ के फिजिकल चल रहे हैं और ये सभी बच्चे फिजिकल क्लियर करके आए हैं, तो इनके लिए जोरदार क्लैपिंग। इन सभी बच्चों का फिजिकल क्लियर हुआ है और ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आप लोगों के पास सामने इसीलिए है क्योंकि इन्होंने ना, इनका जो स्ट्रगल है वो आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगा, क्योंकि बहुत से बच्चे भी क्लियर किए हैं, मैंने किसी के साथ वीडियो नहीं बनाई, बट इनके लिए, क्योंकि इनका स्ट्रगल इन्होंने मेरे को जो बताया था, इसलिए मैंने इनको आपके सामने बुलाया है और ये अपने बारे में बताएंगे कैसे तैयारी की और कितने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, कहाँ कहाँ इन्होंने तैयारी की है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है राहुल। राहुल, कितनी बार आपने फिजिकल दिया है? सर ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था सर। सबसे पहले मैंने खुद से करी थी तैयारी, तो सर मैं 1600 मीटर थी सो पहला इवेंट होता है, हाँ मेरा वही क्लियर नहीं हो पाया था सर। ठीक है, उसके बाद सर 2022 में स्टार्ट करी मैंने सर, यहीं इसी ग्राउंड में एक अकेडमी लगाई थी सर मैंने। अच्छा सर, मैंने कितने दिन तैयारी की? सर मैंने करीब 1.5 महीने तैयारी करी थी। 1.5 महीने तैयारी की थी, तो आपका फिजिकल क्लियर हो गया था? नहीं सर मेरा नहीं होता। किस चीज में बाहर हो गया? 1600 मीटर में बाहर हो गया। 1600 मीटर इवेंट में मेरे पास आपने कितने दिन तैयारी की? सर मैंने करीब आपके पास भी इतनी करी है, 1.5 महीने के करीब। और आपकी टाइमिंग वहाँ पे क्या आई फिजिकल में? फिजिकल में सर मेरी 6:20 आई थी, जो कि मतलब बिल्कुल एफर्टलेस थी। मैंने लास्ट में जो 100 मीटर 200 मीटर कहते हैं कि सूट मारना चाहिए, सर वो भी नहीं मारी थी मैंने। अच्छा। मेरा बहुत आसानी से हो गया था। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। एक चीज और जानना चाहूंगा, एक चीज देखो, रनिंग का तो ऐसा है कि स्टेमिना डाउन हो गया, ठीक है, आप रनिंग कर रहे हो, आप छोड़ दोगे तो फिर स्टेमिना डाउन हो जाता है। बट मैंने एक चीज और दिखाई थी लॉन्ग जंप हाई जंप के बारे में। कल परसों भी एक लड़का आया था जो मेरे पास 5 साल बाद आया था, 5 साल बाद भी उसने हाई जंप क्लियर करके दिया। हाई जंप का, आप जब यहाँ पे आए थे तब आपकी हाई जंप कैसी थी? सर मेरी सीजर करता था मैं पहले, जो कि मेरी 3-9 से ऊपर मतलब रेयर ही थी सर, कभी आ गई नहीं आई, मेरा बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था सर तो उसमें। फिर आपने कैसे किया? सर मैंने देखा था सर यहाँ पे, मतलब बेली टेक्निक जो सर आपने सिखा रखी है बच्चों को, सर मैंने 100% उस पर भरोसा कर लिया। फिर आपने सिखाई सर, पहले दिन ही मेरी 10-20 मिनट में आपने मतलब करा दी थी, वो 4 फीट मेरी आ गई थी, और सर उस दिन मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गया था। उसके बाद मैंने इस पे स्टिक रहा था सर। उसके बाद कभी ऐसी दिक्कत आई बेली में आपका जंप नहीं क्लियर हुआ? सर मेरी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक बार, मैं हमेशा एक बार दो बार करता था, हमेशा हो जाती थी। वहाँ भी सर मैंने, मेरी 1600 हो गई थी ना, मैं सर आराम से बैठा था वहाँ, बहुत बढ़िया, मैं बिल्कुल नहीं डरा। बच्चे वहाँ डर रहे थे कि सीजर करेंगे बेली को। अच्छा। क्या करेंगे, मैंने सर थोड़ा सा रन अप लिया, मैं कूद गया। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश, कोई दिक्कत नहीं आई सर बिल्कुल। तो देखो बेली का मैंने पहले बताया, एक बार बेली सिखाई थी, उसके बाद हमारे ग्राउंड पे भी इसकी बेली कभी नहीं रुकी और वहाँ पे भी फर्स्ट अटैम्प्ट में ही बेली क्लियर कर दी। हाई जंप सीपीओ में हाई जंप बच्चे बहुत डरते हैं हाई जंप के,
हाई जंप कुछ भी नहीं है मेरे लिए, मैंने इसीलिए मैं 4-5 टेक्निक सिखाता हूँ, कोई एक टेक्निक तो करेगा ही करेगा बच्चा। उसके बाद हमारे पास है नीलेश, इसका देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ, इस लड़के ने CGL क्लियर कर रखा है, 2 बार से ये TA में सिलेक्टेड है, अभी भी सिलेक्टेड है ये, ठीक है, और पिछली बार भी CPO दिया था, अब की बार भी CPO दिया है, ठीक है। और अब की बार सही बताऊँ मेरे को इस लड़के से इतनी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि लास्ट टाइम में ये हिम्मत हार रहा था और यहाँ पे टाइमिंग भी इसकी थोड़ी सी ज़्यादा आ रही थी, बट क्या हुआ, किस्मत जब ख़राब बोलते हैं ना, किस्मत ख़राब होने, तो वो इसका बेचारे का फिजिकल भी ऐसे ग्राउंड पे पड़ गया था जो सबसे डिफ़िकल्ट था, GC अजमेर। अब ये बताएगा कैसे इसने फिजिकल किया, क्योंकि लास्ट टाइम हमने टाइमिंग ली थी तब भी इसकी 6:40 ही आई थी। अपना एक्सपीरियंस बता पहले, सबसे पहले जोरदार क्लैपिंग। मेरा मैंने पिछली बार भी CPO दिया था तो क्लियर हो गया था मेरा फाइनल में। पिछली बार फिजिकल आपने दिया था तो कहाँ पे था फिजिकल? सर पिछली बार मेरा GC2 में था। GC2 में था, वो फिजिकल कैसा था मैं बताता हूँ आपको, उसमें 300 मीटर तो आपको थोड़ा चढ़ना था और 1300 मीटर ऐसे ढलान पे दौड़ना था, जो जिस बच्चे की 7-7.5 मिनट टाइमिंग आई थी ना वहाँ पे भी जो फिजिकल क्लियर करके आए थे, मेरी वीडियो देखना पीछे वाली, उसमें बच्चे ऐसे थे ढलान पे, उस में जितने भी बच्चे हमारे एकेडमी गए थे सभी करके आए थे, और आपकी बार इसका डिफिकल्ट पे था। आपकी बार का एक्सपीरियंस बता। तो आपकी बार मतलब जैसे पिछली बार जब मैं करके गया था तो मतलब हो गया था फिजिकल के लिए जैसे तैसे करके, पर सब कह रहे थे आसान ग्राउंड था, मुझे भी लगा कि सच में आसान था, हार्ड होता तो पता नहीं क्या होता। तो इस बार तो GC1 आ गया, मैं देखते एकदम से पहले तो घबरा गया, उससे पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, एफर्ट लगाए काफ़ी बार, एफर्ट लगाए उसमें, आपने भी सर काफ़ी सारे एफर्ट लगाए, मेरे साथ में रनिंग करी काफ़ी बार, हाथ पकड़ के भी करवाया, मैं कोशिश तो बहुत कर रहा था पर टाइमिंग आ नहीं रही थी यहाँ पे। इस ग्राउंड में भी आपने मतलब फिजिकल से 3 दिन पहले टाइमिंग लगाई थी तो 6:46 आई थी, उससे पहले दूसरे ग्राउंड में भी लगाई थी, 3-4 जगह लगाई तो उसमें 6:46 मतलब 46:45-50 ऐसी टाइमिंग आ रही थी। अब वहाँ पे जब मैं टाइम मतलब गया वहाँ पे तो पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी अंदर से, क्योंकि मेरा लास्ट अटैम्प्ट, सबको होती है घबराहट तो ये, हाँ लास्ट अटैम्प्ट की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। तो वहाँ पे वो टोकन नंबर दे देते उसी ऑर्डर में, तो मैंने सबसे एंड में ही लिया, मैं मतलब 760 थे और मेरा 757 था, आखिरी से तीसरा नंबर था। अच्छा, तो जब मैंने रनिंग करनी स्टार्ट करी तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी, तो मुझे बताया था सरदार ने, कहा था मेरे दोस्त ने कि अभी तक जितने महीने में तूने तैयारी करी है, हम तैयारी करते थे मिट्टी में गिर जाते थे सर, हमारे साथ हाथ पकड़ के करवाते थे, हमारी हालत ख़राब हो जाती, जितना दर्द झेला है जितना भी बर्दाश्त किया है यही वो टाइम है उसको निकालने का, और अभी नहीं किया तो दूसरा मौका भी नहीं मिलेगा, कि यही इकलौता मौका है अगर कुछ करना चाहता है तो मेरे दिमाग में वही एक चीज़ थी कि ये जो भी है आखिरी रेस है, इसके बाद दूसरा मौका मिलना ही नहीं है। तो मैंने उसमें रनिंग स्टार्ट करी तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पहला राउंड भी ठीक आ गया, दूसरे राउंड मतलब 1:25 में आ गया, मैं खुश हो गया, तो फिर बॉडी अपने आप ही खुशी के मारे ढीली होने लग गई, दूसरा 3:10 में आ गया टाइमिंग बढ़ गई, फिर मैं घबरा गया, तो मैंने सोचा तीसरे राउंड में पूरी ताकत लगा देता हूँ, चौथे में जो होगा तभी के तभी देखा जाएगा, मैंने पूरी ताकत लगा दी, 4:40 में हो गया वो, मेरे पास 1:50 बच गया पर ताकत ख़त्म हो गई, फिर धीरे धीरे करके कोशिश करता रहा, बॉडी खिंचनी बंद हो गई, एंड में जा करके तो मैं देख रहा था मुझे फिनिशिंग लाइन दिख रही थी, तो कमांडेंट जो था ना वो लाइन पे खड़ा हुआ था, तो टाइम ओवर होने वाला था, वो बताया 6:25, 6:26, 6:27, तो मैं मतलब यहाँ से इतना होगा जैसे 15-20 मीटर का फासला होगा, मैं बॉडी खिंची नहीं रही थी उस टाइम पे, तो एंड में जा करके जब वो कर ही रहा था तो मतलब लाइन पे खड़ा होकर उसने ऐसा कह दिया, वो सीटी बजाने ही वाला था और मेरे सामने 5-6 कदम का फासला था, तो इतने मैंने डाइव लगा दी वहाँ पे, सुन रहे हो, डाइव लगा दी लास्ट में तब पहुंचे ये, वो एकदम से साइड हो गया, वहाँ से मैंने सीधा उसके ऊपर डाइव लगा दी और मैं अंदर चला गया, फिर उसने मेरे को उठाया, मैं उठ ही नहीं पाया था, तो मेरी पीठ वगैरह सारी छिल गई, उसने मुझे उठाया, उसने कहा हो गया तेरा हो गया, फिर मेरे को लेकर के गया, मेरे से तो काफी देर तक उठाई नहीं जा रहा था, चोट लग गई। लॉन्ग जंप हाई जंप कैसे की? फिर लॉन्ग जंप की बारी आई तो लॉन्ग जंप में मतलब कमांडेंट खुशी हो गया था, मैंने इतनी बढ़िया लॉन्ग जंप लगाई क्योंकि एनर्जी आ गई अंदर से, क्योंकि मुझे पता था ये एक इवेंट है इसमें फंसने वाला हूँ, तो लॉन्ग जंप मेरी इतनी अच्छी लगी, मेरी 18 फीट लग गई, वो देख के खुश हो गया कि ये हाई जंप मार रहा है लॉन्ग जंप, जबरदस्त टेक ऑफ लिया, मैं सीधा पिट के एकदम कोने पे जाके गिरा, फिर मैं सारा मिट्टी में सड़ गया, फिर उसने कहा कि जाओ हाथ मुंह धो करके आ जाओ, मैं मुंह धोने गया मेरे पैर भीग गए उस टाइम पे, तो मैं जैसे ही वहाँ पे बैली मारने गया तो मैंने पैर रखा वहाँ पे पोल के पास में, मैं फिसल गया, मैं नीचे से ही निकल गया वहाँ से फिसल गया उसने मुझे उठाया, उसने कहा कोई बात नहीं हो जाता है, किस्मत की वजह से बाहर नहीं हो गए, तुम में टैलेंट नहीं होगा ना तो ही बाहर जाओगे,
मैंने कहा सर ठीक है, मैंने कहा सर अटैम्प्ट तो काउंट नहीं हो गया ना क्योंकि प्रेशर आ जाता है ऊपर। उन्होंने कहा नहीं अटैम्प्ट काउंट नहीं होगा तो दोबारा ले ले जाऊँ। मैंने उसके बाद फिर बैली ली, बैली मतलब सर ने मुझे इतने अच्छे सिखाई, मुझे पिछली बार मैंने सीजर में भी क्लियर किया था और जंप तो खैर एक ही लेवल होता है हर जगह, फिर मैंने बैली सीखी सर के साथ। पर फर्क मैंने ये देखा कि जंप दोनों ही अच्छी है, सीजर में टेक्निक ज़्यादा लगती है, एफर्ट बहुत ज़्यादा लगते हैं। बैली मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है कि अगर आप थके हुए हो ना, आपके पैर भी भरे हुए हैं, बॉडी भी थकी हुई है, तो भी बैली लग सकती है। कितनी देर में सीखी थी आपने? मैंने तो सर आपने सिखाई मुझे, मैंने देखा, मैंने राहुल को देखा, आपने मुझे बताई, 10 मिनट में सीख गया। मैंने 4-5 अटैम्प्ट लिए और आ गई, उसके बाद से फंसी ही नहीं, थके होते बिल्कुल एक बार भी नहीं फंसा मैं बैली में। चलो उसके बाद में और एक बार ही में बैली क्लियर हो गई और काफी अच्छे मार्जिन से क्लियर हो गई थी, मतलब पूरा स्टाफ खुश हो गया था वहाँ पे, जिस तरीके से मैंने दिया ना फिजिकल सब खुश हो गए थे देख करके, काफी अच्छी परफॉर्मेंस। चलो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद है हमारे पास मोहित, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? सर ये मेरा पहला CPO का अटेम्प्ट था फिजिकल का, और जैसे ही मेरा CPO का प्री हुआ था उसके बाद, मैं मुखर्जी नगर में रहता हूँ तो वहाँ पे मैंने सुना था कि आपका बहुत नाम चलता है यहाँ पे स्ट्रेंथ अकेडमी का, तो मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, सब ने यही मेरे को सजेस्ट किया कि स्ट्रेंथ अकेडमी में ही जाओ आप। तो जैसे ही मैं आपके पास आया तो मैंने तो आपके ऊपर पूरा भरोसा कर लिया था कि अब सर के साथ ही रहना, जैसे सर करेंगे वैसा ही करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाना अपनी तरफ से। तो जैसे मैंने पूरा आँख बंद करके आप पे विश्वास किया था, तो जैसे जैसे आपने करवाया वैसे वैसे मेरा सब कुछ क्लियर होता जा रहा था। और जैसे ही मैं फिर वहाँ पे गया मेरे सेंटर पे, कल मेरा CISF नोएडा में ही था, तो वहाँ पे मेरे को बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं था कि मेरा फिजिकल नहीं होगा, मेरा मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस था कि मेरा होगा, क्योंकि मैं आपके यहाँ पे इतना अच्छे से करके गया था, जैसा आपने करवाया था वैसे बहुत अच्छे से हो रहा था मेरा। तो मैं गया वहाँ पे तो मेरा हर चीज़ मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो रही थी, लॉन्ग जंप, हाई जंप, और रनिंग में तो मेरे को बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि आपके पास आता था मैं तो आपने मेरी रनिंग इतनी अच्छी करवा दी थी कि मेरी 5:40 में स्पीड रनिंग आने लगी थी टाइमिंग यहाँ पे 1600 मीटर। तो वहाँ पे तो मैं इतना आराम से, ना कोई एफर्ट लगाया, और मेरी आराम से वहाँ पे 6 में आराम से आ गई थी मेरी वहाँ पे बिना एफर्ट के। बहुत बढ़िया। यहाँ पे तो आपके पास एफर्ट भी लगाने पड़ते थे, लास्ट में खींचना पड़ता था। और वहाँ पे कैसा क्या था, बच्चों पूछ रहे थे? बच्चे पूछ रहे थे सर बहुत सारे, क्योंकि मैं इस टाइम अकेडमी की टी शर्ट पहन के गया था ना, तो काफी लोग पूछ रहे थे, भाई हम आपकी वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे और बहुत अच्छी अकेडमी है, सर भी बहुत अच्छे हैं, हमने बहुत सारी चीजें सीखी है सर से, और जो वीडियो आती है शॉर्ट वीडियो डालते हैं उनसे बहुत काफी चीजें सीखी हमने सर से, तो वो भी काफी इम्प्रेस थे सर आपसे। चलो बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा रहा मेरा अकेडमी का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा रहा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, रिकमेंड करूँगा जिसको भी फिजिकल की अकेडमी ज्वाइन करनी है वो स्ट्रेंथ अकेडमी में ही आए। चलो बहुत बढ़िया। अब हमारे पास है सरदार जी, ये भी दूसरी अकेडमी से आया है, ठीक है, पिछली बार इसका फिजिकल क्लियर नहीं हुआ था। तो सबसे पहले सरदार मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने अकेडमी दूसरी अकेडमी छोड़ के स्ट्रेंथ अकेडमी में ही क्यों आए? जी पहले बार जब मैं, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं जब दूसरी अकेडमी में गया था, मैंने 1.5 महीने बाद 2 महीने ट्रेनिंग की थी, पर एक सबसे मुझे ड्रॉबैक वहाँ का ये लगा कि वहाँ पे टाइमिंग बहुत ही लेट लेते थे, 15-20 दिन पे टाइमिंग लेते थे, और यहाँ पे मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट किया था कि हर हफ्ते टाइमिंग ली जाती है, और सर ने इंडिविजुअली भी सब पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। मेरा 21 तारीख को था BSF छावला में, मुझे तो मेरा तो फिजिकल वहाँ क्लियर हो गया और बहुत एफर्टलेस रनिंग मैंने की वहाँ पे, 5:45 में मैंने 1500 ख़त्म कर दिया था, और लास्ट के 100 मीटर में बिल्कुल आराम आराम से गया था, तो वो तो बहुत अच्छे से हुआ। हाई जंप भी सर ने, मैं डिप्रेशन में चल जाता था कभी कभी, हाई जंप सर इतना करा दिया करते थे, नहीं होती थी मेरे से, पर सर कहते थे कि तो बिल्कुल ही टेंशन मत लेती, आराम से हाई जंप आया करेगी, और वहाँ भी बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं कूद। पहले किस चीज़ में बाहर हो गए थे लास्ट ईयर? पहले मैं 1600 में ही बाहर हो गया था। लॉन्ग जंप हाई जंप हो जाती थी? नहीं, हाँ लॉन्ग जंप हाई जंप सर, हाई जंप फंसती थी, लॉन्ग जंप हो जाया करती थी, पर हाई जंप तो लगभग सभी की हो जाती है, हाई जंप फंसती थी। मेरी कुछ गलतियाँ भी थी जो मैं पिछली अकेडमी से सीख के आया था, तो सर ने कहा कि ये चीज़ तुम मत करो, इससे तुम्हारी ठीक हो जाएंगी, तो वो भी चीज़ मैंने, कहा जाता ना कि कोरे पेपर पे लिखना आसान होता है पर जो भरा होता है उस पे लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो वो चीज़ सर ने प्रैक्टिस कर करके छुड़वाई जो मेरी गलतियाँ थी। और हाई जंप आपको कितने दिन में सिखा दी थी? सर हाई जंप मेरे को पहले दिन में आपने सिखा दी थी। कौन सी टेक्निक करता था? मैं सीजर ही करता था, सर ने सीजर में ही मेरा सुधार करवाया और पहले दिन में सिखा दी थी, और वो वीडियो थी तो सर काफ़ी जनों ने कहा कि आपसे भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, वो पहचान भी रहे थे कि आपकी वीडियो डल रखी है स्ट्रेंथ फिजिकल अकेडमी में, आपसे ही सीखा मैंने, तो ये मुझे सुन के बहुत ताज्जुब हो रहा था। बहुत बढ़िया भाई। अब देखो साथ में एक ये लड़का है राहुल, इसकी हाइट दिख रही है सबसे कम है, ठीक है, और इसने भी वहाँ पे हाई जंप आराम से 4 फीट क्लियर की है। और एक चीज़ और भी बताएगा, ये दूसरी अकेडमी मिठाई खिलाने गए तब बच्चे क्या कह रहे थे तेरे को? हाँ वो बोल रहे थे सर कि तूने हाई जंप क्लियर कर लिया, तेरी हाइट नहीं है।
और अब ये बता दे हाई जंप कैसे क्लियर की थी? सर मैं पहले सीपीओ का फॉर्म तो डालता था लेकिन हाई जंप की वजह से कभी देने नहीं गया। इस बार मैंने, मेरा दोस्त आता था आपके पास तो उन्होंने बोला कि सर हाई जंप सिखाते हैं अच्छे से, तो मैंने इस बार अकेडमी लगाई थी, शुरू के दिन गया था, पहले दिन तो सीजर से तो मेरी सर तीन चार तक ही होते थे, इससे ज़्यादा होते नहीं थे। उसके बाद आपने मेरे को बेली जंप सिखाई, 20 से 25 मिनट में मैं सीख गया था। उसके बाद तो सर आज तक कभी, इतनी बार यहाँ पे मारी थी आज तक कभी नहीं फंसा बेली जंप में। वहाँ पे पहले ही अटैम्प्ट में मार दी थी और हम 99 बच्चे थे पास होने वाले हाई जंप के लिए, तो उनमें से एक अकेले मैंने बेली मारी थी, तो मेरी था बेली मारने तो मेरी बेली जंप इतनी अच्छी थी कि कमांडेंट सर थे उन्होंने हमें को अलग से अप्रिशिएट किया था और शाबाशी दी थी। तो आप देख सकते हो वहाँ पे कमांडेंट आके खुद ही उसको अप्रिशिएट करके गया है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बानू आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? सर मेरा तो 4 बार फेल हो चुका हूँ मैं इससे पहले। 4 बार फेल है, अब की बार फिजिकल सीपीओ क्लियर करके आया, जोर दे तालियां। मेरा 2 बार सीपीओ में फेल हो चुका हूँ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी फेल हो लिया, 1 बार जीडी में, तो मैंने तो फिजिकल की उम्मीद छोड़ ही दी थी। एक दो दोस्त हैं जिन्होंने कहा था कि किसी भी अकेडमी को ज्वाइन कर ले, कर भी नहीं पाएगा कभी, लेकिन भैया हैं दीपक भैया, उन्होंने बोला था कि तू कर लेगा यार, फिर यहाँ पे आया मैं, फिर हो गया बस। ये सभी बच्चे आपके साथ थे। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं, जैसे कि आप बता रहे थे कि लास्ट टाइम में हमारे साथ सर उस अकेडमी में ऐसे हुआ, आपने मेरे स्टार्टिंग में आए तब भी आपने ये बात की थी कि वहाँ पे ऐसे ऐसे किया और आप तो ऐसे नहीं करोगे, तो वो चीज़ आपको देखने मिली कि बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहा, तो वो चीज़ एक बार आप एक्सप्लेन कर दो। सर वहाँ ये था, जिस दिन हमारा एडमिशन हुआ है उस दिन हम पे पूरा फोकस है, तो हमें उस दिन ऐसा लगेगा कि हमें बहुत ध्यान दे रहे हैं सर। सर उसके बाद जब भीड़ हो जाती है और पूरी भीड़ कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर यही नहीं पता चलता कोई ये बंदा एग्जिस्ट भी करता है इस अकेडमी में, पता ही नहीं चलता सर फिर। और सर ये मतलब बहुत बड़ी कमी थी, और दूसरी कमी थी सर टाइमिंग की। सर मैंने वहाँ मतलब कोई लास्ट एक बार टाइमिंग दी थी सर, और यहाँ 2 महीने में 2 बार मैंने अपना चार्ट बना रखा है, मेरी 8 टाइमिंग लगी है सर यहाँ। अब आप देख सकते हो एक से डेढ़, 8-4 से शुरू करी थी यहाँ, 8-4 टाइमिंग आई थी, और फिर यहाँ पे 8-4 कितनी आई टाइमिंग सर, फिर आई मेरी 7:23, फिर आई मेरी सर 6:53, उसके बाद आई सर मेरी 6:18, फिर उसके बाद सर कोरोनेशन में 6:32, उसके बाद सर यहाँ मेरी लास्ट 6:05 आई थी सर। अभी देखो हमारे पास कुछ बच्चे पुराने भी आ रहे होंगे, मतलब कोई ऐसा बच्चा है जो 20-25 दिन पहले से आ रहा है, कंटिन्यू आ रहा है, यही है लड़की शायद, और बाकी बच्चे हैं। लास्ट टाइम में आपने देखा था कि आपके फिजिकल आ भी गए थे एडमिट कार्ड, लास्ट एक हफ्ते में मेरी हालत भी ख़राब थी, बिल्कुल सर। मैं यहाँ पे ग्राउंड पे आता था, मैंने ऐसे भी किया था, एक बैच ले लिया, दूसरे बैच में मैं आराम से सो भी रहा था, लेटा हुआ था। बट कभी आपको ऐसा लगा कि सर ने हमें ध्यान नहीं दिया, इस चीज़ से आप कुछ? सर भी ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, कितनी भी तबीयत खराब थी आपने सर पूरा ही ध्यान दिया है। सर यहाँ की एक चीज आपकी एक बहुत अच्छी लगी कि सर आप हर बंदे को इंडिविजुअली नाम से जानते हो सर, नाम से बुलाते हो सर, ये चीज बहुत अच्छी लगी। अगर मैं वहाँ हूँ, अगर मैं थोड़ा मंदा पड़ रहा हूँ, तो ये कहते हो सर आप राहुल भाग, तो सर बहुत अच्छी फील आती है सर, मन करता है फिर मेहनत करने का। नाम से ही बताते हो सर, आपको सबकी टाइमिंग भी याद रहती है, इतने सारे बच्चे होने के बाद भी आपको सबकी टाइमिंग पता होती है और सबकी क्वालिटी पता होती है, और कमी भी पता होती है कि इस पर्टिकुलर बच्चे को जंप में दिक्कत है या इसकी टाइमिंग की दिक्कत है या इसमें क्या कमी है, वो भी सर को पता होती है, टाइमिंग भी पता होती है और नाम भी पता होता है। एक एक चीज़ पर ध्यान देते हैं सर, ऐसा नहीं है कि भीड़ में बच्चे हैं तो उनको छोड़ देते हैं, एक एक पे इंडिविजुअली सर को सारा याद रहता है कि उसके अंदर क्या क्या कमी हो, सर उस पर अलग से बुला करके उस पर काम भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि बैच में ही सबको एक साइड से मतलब एक ही दवाई दे दी, जिसको जिस चीज़ की जरूरत है उसको सर अलग से बुला करके वो भी करवाते हैं। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे कि देखो बहुत सी अकेडमी ऐसी भी है जो लास्ट में बच्चों को क्या करती है, इंजेक्शन दे देते हैं, प्री वर्कआउट दे देते हैं, कोई टैबलेट दे देते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, मैंने कभी आपको प्री वर्कआउट इंजेक्शन कोई ऐसी चीजें सजेस्ट की कभी भी? सब कुछ नेचुरल करवाया है, ये चीजें मैं इसलिए बोलता हूँ, ये चीजें इसलिए नहीं लेनी, जब आप वहाँ पे रनिंग करते हो ना, अगर बाय द वे 1% आप गिर भी गए या आप रुक गए, तो उसके बाद आपकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आप उठ के दौड़ लो, या फिर गिर गए तो कोई चांस ही नहीं है, आप उठ के दौड़ भी जाओगे। क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था, मेरे अकेडमी का एक लड़के ने भी ऐसे कर लिया था,
मेरे से बिना पूछे, मैंने मना किया था उसको, हालांकि उन्हें फिर भी कर लिया, क्योंकि बच्चों को देख के हो जाता है कई बार। और वो ऐसा गिरा, उसका फिजिकल रह गया। उसके बाद उसने सीपीओ क्लियर किया, मेरे पास आया ही था, अब की बार भी सीपीओ क्लियर किया, और ये वीडियो मैंने पहले भी डाली हुई है। एक चीज़ और कहना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे? सर मैं ये कह रहा था, मैंने लास्ट दिन में भी, मतलब मैं इस ग्राउंड में था तो मैंने देखा था एक अकेडमी में सर बच्चों को, मतलब दो दिन पहले भी पूरी फीस लेके, और सर ये किया जा रहा था कि हम वो हाई जंप लॉन्ग जंप करा देंगे सर, मतलब और बच्चों को छोड़ के सर दो दिन में बच्चे आए, सर दो दिन में कैसे हो जाएगी कोई चीज़? क्योंकि सर मुझे एक दोस्त ही बता रहा था कि आपकी कह रहा था वो कि सर कि मैंने कहा था सर से, सर मुझे इस बैच में ले लो, सर ने उस बैच में नहीं घुसने दिया मुझे। क्यों? क्योंकि ये कह रहे थे भाई तेरे चक्कर में और बच्चों का थोड़ी बिगाड़ना है। देखो ये तो सबको पता है, जो बच्चे पुराने भी है नए भी है, मैं सबको बोल देता हूँ लास्ट टाइम में एडमिशन क्लोज कर देंगे हम। वो क्लोज इसलिए करता हूँ क्योंकि जो बच्चे पुराने हैं ना, नए बच्चों के चक्कर में पुराने बच्चों का वर्कआउट छूट जाता है, और मैं नहीं लेता और नहीं आगे लूंगा ये चीजें, ठीक है? अभी जो नए बच्चे दिल्ली पुलिस का बैच स्टार्ट कर रखा है, नए बच्चे अब मेरे पास जितने बच्चे होंगे, जितना मैं बच्चों को करवा सकता हूँ उतनों को ही करूँगा। आगे कोई एडमिशन आ गया तो मैं नहीं लूँगा एडमिशन। अदर अकेडमी बहुत है मुखर्जी नगर में, कहीं चले जाओ, किसी के पास चले जाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जितने बच्चे मेरे पास पहले है उन्हीं को तैयार करूँगा, ठीक है? तो